गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ भाई। अभी हम हैं जो किन्शासा, कैपिटल सिटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और अभी हम एक बार जो है यहाँ पे जो दूसरा कॉन्गो है, रिपब्लिक कॉन्गो या फिर कॉन्गो ब्राज़ील, तो उसकी एम्बेसी में जाके आ रहे हैं। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे और अपना वीज़ा लेंगे। वहाँ का वीज़ा जो है $80 का है। तो मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे कैमरे को अलाउ नहीं करते हर जगह पे। तो बड़ा, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा कि कैमरे की वजह से मेरे को क्या प्रॉब्लम सेल करनी पड़ गई। दोनों यहाँ पे खड़ी कर रखी है मैंने। विशाल के घर से निकला हूँ अभी, और अभी मैं एक बार थोड़ा सा ये जो ये मार्केट से ये घुमाता हूँ आपको। ये देखिए लोकल फूड ऐसा लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये होलसेल मार्केट है यहाँ पे। इस एरिया में, इस एरिया को बोलते तो क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर इस एरिया में मैक्सिमम जो बड़ी शॉप या बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, सब हमारे इंडियन भाई की है। और यहाँ पे होलसेल का काम जो है वो सारे इंडियन संभालते हैं। आपको किसी ना किसी शॉप में बैठे हुए भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने सबसे अलग देखी, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे ना या तो आपको बड़ी हाई एंड की गाड़ियाँ मिलेंगी या फिर बिल्कुल ऐसी मिलेंगी चलने लायक ही नहीं है। यहाँ पे अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ये सब्जियाँ बेच रही है माता यहाँ पे, और हमारे लोग खरीद रहे हैं। इट्स रियली अमेजिंग है। आम गोभी, आम, तोरी, सब्जियाँ सारी हैं, मिंट, पपीता, केला। यहाँ की जो फार्मा इंडस्ट्री है 80%, मैं तो 100% ही कहूँगा, पर ऑफिशियल डाटा जो है 80% रन बाय इंडियंस। और मेडिसिन भी सारी इंडिया से ही आती है। और ये देखिए, ये कोई फार्मा डिपो है। मेरे जो घर है उसके पास में भी एक था। हर दूसरी तीसरी दुकान फार्मा की है, और यहाँ से पूरे देश में सप्लाई होती है फार्मा की। ये सब होटल वोटल भी सब इंडियंस के ही हैं यार यहाँ पे। और इंडियन में भी स्माइली कम्युनिटी जो है वो काफ़ी है यहाँ पे। सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये रेजिडेंशियल सब इंडियंस की हैं, यहाँ पे अपने ही लोग रहते हैं सब। एक्चुअली ये बिजनेस सेंटर भी कह सकते हो आप एक तरह से, और एक तरह से आप कह सकते हो कि होलसेल मार्केट। ये इंडियन रेस्टोरेंट है माहिर करके एक यहाँ पे, और इसके ऊपर ही नाई की दुकान है एक, तो कटिंग करवाने भी करवाई है मैंने यहाँ से। अरे वाह, आप कहाँ से आए? ऐसे मार्केट में घूम रहा था। अरे वाह, आपको देख के आपके ये हमारे विशाल भाई भी आ गए हैं, तो मैं विशाल भाई के पास ही रुका हुआ था। ये सब अपने सेकंड हैंड कपड़े बेचे जा रहे हैं, गफ्फार मार्केट जैसा हाल है यहाँ पे। ये एक जीजी मार्ट है, ये इंडियन सुपरमार्केट है। यहाँ पे सब इंडियन ग्रोसरी का सारा सामान मिल जाएगा। और उन्होंने 5-6 सुपरमार्केट बना रखी है बड़ी बड़ी। भाई एम्बेसी से वीज़ा ले लिया, वीज़ा के लिए मुझे 2 फ़ोटो देने पड़े, होटल बुकिंग देनी पड़ी, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट मेरे को कुछ मांगे नहीं। मैं यहाँ पे आ गया था, सुबह से चक्कर काट रहा हूँ। गाबोन का वीज़ा अप्लाई करना था मुझे, तो गाबोन का वीज़ा अप्लाई किया है मैंने। भारतीय दूतावास से एक लेटर लिखवाया था कि मुझे सपोर्ट करिए गाबोन का वीज़ा लेने के लिए, अदरवाइज़ वी कैन गो बाय द ई वीज़ा। बट ई वीज़ा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लैंड एंट्री से इंटर नहीं कर सकते गाबोन में, तो आप एयरपोर्ट पे ही इंटर कर सकते हो। तो मैंने एम्बेसी से वीज़ा लेना अच्छा समझा, और मैंने यहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया। मेरे वीज़ा की फ़ीस जो $160 थी, उन्होंने मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी, और जो एम्बेसी का लेटर था वो दिया उनको, 2 फ़ोटो। और यार इन्होंने ना क्रेडिट कार्ड का की कॉपी मांगी, पता नहीं क्यों। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा, पुलिस वाले मुझे तंग करेंगे, तो मेरे को कोई स्लिप दीजिए। तो फोटोकॉपी करी इसकी, और इसके ऊपर लिख दिया कि भाई इसका पासपोर्ट हमारे पास में है। तो ये भी एक अजीब तरीका देखा मैंने पहली बार ऐसा, कि किसी ने फोटोकॉपी के साथ में। और ये मेरे पास, मेरे साथ ड्राइवर हैं मेहुल भाई के, तो थैंक यू सो मच बैनर। 2 कंट्रीज़ का वीज़ा हो गया हमारे पास, ब्राज़ाविल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का और गैबून का। और मैं सोच रहा हूँ ब्राज़ाविल से ही मैं कैमरून का वीज़ा और अप्लाई कर दूँ, ताकि 3 कंट्रीज़ का वीज़ा हो जाए, उसके बाद में आगे के और देखेंगे।
तो होप फॉर बेस्ट। आज का काम सुबह से लगा हुआ, क्योंकि यार यहाँ पे एक फोटोकॉपी करवाने के लिए भी आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 5 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ये जो सेंट्रल रूट है ना इसका, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जैसे तैसे हुआ यार आज का काम। अब मैं मेहुल भाई के ऑफिस जाऊँगा, उसको उनको बोलूँगा। आज मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा और घूम के आऊँ, कल भी प्लान बनाया हमने घूम के आने का, कल भी फेल हो गया, आज भी फेल हो गया। तो अब हमारे पास कल का टाइम है और परसों का टाइम है, तो हम आराम से घूम सकते हैं। और फिर कोशिश करेंगे कि सैटरडे को सुबह यहाँ से निकल जाएँ, सैटरडे संडे हम जो है ब्राज़ाविल में ट्रैवल करेंगे, और मंडे को जो है कैमरून का वीज़ा अप्लाई करेंगे ब्राज़ाविल से। तो होप फॉर बेस्ट लक। देखिए सिक्योरिटी देखिए आप यहाँ पे कितनी खतरनाक सिक्योरिटी है, देखिए गनमैन कैसे खड़े हैं। तो एवरीवेयर इज पुलिस और सब कुछ है। तो थोड़ा सा सेफ्टी इशू, थोड़ा सा तो नहीं यार ज़्यादा ही है, सेफ्टी इश्यूज तो हैं यहाँ पे। तो भाई ने रूटर लगा रखा है गाड़ी के अंदर। मैं यहाँ पे मेहुल भाई के ऑफिस में आ गया था, नीलेश भाई भी आ रहे हैं। तो हम बैठे थे तो बात चल रही थी रिलीजन की। तो यहाँ पे 50% जो है रोमन कैथोलिक है, 20% एक क्या बोलते हैं भाई उसको, 20% जो है प्रोटेस्टा, और एक यहाँ पे स्पेसिफाइड रिलीजन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किम्बागिस्त। किम्बागिस्त है? वो कितने परसेंट होंगे, 10-12% है आई थिंक। यस हाँ, तो वो क्या है, वो कौन सा रिलीजन है? मतलब एक तरह से क्रिश्चियन रिलीजन है, पर वो क्रिश्चियनिटी को मानते नहीं है। क्रिश्चियन है हाँ, वो जेजी क्रिस्ट को नहीं मानते, वो उसी के एक क्या बोलते है प्रोफेट है पापा सिम्बा किम्बांगु करके, उसी को मानते। अच्छा अच्छा। उसका एक बड़ा सा इंग्लिश है, वो है बाकोंगो करके, हमारा एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस में काम्बा करके एक छोटा सा विलेज है, उसी काम्बा में वो पापा सिम्बा रहते हैं, और वही। बट उसका कुछ कुछ रिलीजन हमारे हिंदू धर्म से भी मिलता है, जैसे ओके खाने पीने का तो नॉर्मल है, ये लोग सब खाते हैं, बट जो टेंपल के अंदर जाना है तो जूते नहीं पहनना, फिर उसके जो काम्बा के अंदर कुछ पानी है, एक नदी जा रही है बहाव, तो उसका भी कुछ रिलीजन है कि भाई वो पानी पिए तो बीमारियां दूर होती है, जैसे हम गंगा का मानते हैं ऐसा। बाकी उसकी अच्छी खासी है कि वो हिंदू धर्म की तरह औरतों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये इनके जो पहले गुरु थे। हाँ। आपको यहाँ की गाड़ियों पे और पे सब पे इनका फोटो लगा हुआ दिख जाएगा। तो हर जगह जहाँ जो भी इनको मानते हैं ना, वो इनका फोटो लगा के रखते हैं। एक बात और यार, हाँ 10% मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे काफ़ी बिजनेसमैन जो है इस्माइली कम्युनिटी के बिजनेसमैन बड़े अच्छे लेवल पे गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 10% मुस्लिम कम्युनिटी है, और बाकी 10% जो बच गया लास्ट में उसमें सारी कम्युनिटी आ जाती है। उसमें कुछ चाइनीज़ भी आ जाते हैं, हमारे लोग भी आ जाते हैं, और अनदर रिलीजन के लोग भी आ जाते हैं। तो ऐसे तो रिलीजन वाइज ये बंटा हुआ था। और नीलेश भाई स्पेशली मिलने आए हैं, तो थैंक यू सो मच भाई। और ये बिका जी की वो आई हुई हैं, आज है दशहरा, दशहरा तो हम सिर्फ बर्फ़ी खा के सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली यार त्यौहार के दिन तो सब चीज़ें मिस होती हैं, इंडिया तो ज़रूर मिस होता है स्पेशली त्यौहार के दिन। और यहाँ पे कुछ नेपाली भाई थे तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उनको देख के और भी लगा कि यार। लो भाई इधर है, ये क्या मंगवा लिया तूने, लेबनीज खाना? हाँ। ये है क्या, वो नाम बता पहले। इसका नाम जातार है, ये फोमाज है, ये फूल है, ये हमूस है। ये यहाँ पे एक्चुअली क्या है, DRC में ना लेबनीज बहुत है, और लेबनीज अपना बिजनेस करते हैं यहाँ पे। नॉर्मली किस चीज़ का बिजनेस करते हैं लेबनीज यहाँ पे? ये खाने पीने का अली मांतर बोलते हैं, उसका काम करते हैं, और लोखंड का काम करते हैं, आयरन का, और स्क्रैप का काम तो लेबनीज काफी है यहाँ पे। और मैंने पिछली काफी कंट्रीज में देखा कि लेबनीज हैं हर जगह, थोड़ी थोड़ी उनकी प्रेजेंस है। मैं एक बार मेहुल भाई के साथ में थोड़ा सफारी पे आ गया। यहाँ शहर से 30-40 किलोमीटर दूर एक सफारी है, सफारी पार्क है, जहाँ कुछ एनिमल्स को रखा गया है। तो वहाँ पे आए हैं और गाड़ी से आए थे, उनका ड्राइवर लेके आ गया था। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा है उस सफारी का, और ये गाड़ी हमें अभी सफारी के अंदर थोड़ा घुमा के लेके आएगी। ये राइनो खड़े हैं भाई, ये राइनो को मैं बहुत मिस किया। मैंने राइनो को 5-6 बार ट्राई किया डिफरेंट नेशनल पार्क में, पर राइनो पहली बार मुझे देखने को मिला। एक बार मिला था पर वो कहीं थोड़ा सा पानी पीने के लिए आया था, और ये राइनो और ओपन में चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि सफारी में होते हुए भी ओपन में चल रहे हैं।
एक वो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के ऊपर है ना इन्होंने क्या रखा हुआ, एक प्लेन रखा हुआ है, प्लेन में रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, गजब की चीज़ है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वहाँ तक आपको बुकिंग करनी पड़ती है बहुत पहले, मतलब तीन तीन चार चार दिन की बुकिंग होती है। तो ये ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस था भाई। तो कैसा एक्सपीरियंस था भाई मेहुल भाई? तो मेहुल भाई तो एकदम बढ़िया था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसी सफारी भी है यहाँ पे। तो मेहुल भाई बोले कि हम चलो घूम के आते हैं, तो हम घूमने आ गए थे। तो थैंक यू वंस अगेन भाई। और तो दोस्तों कल हम जो है नेक्स्ट कंट्री में जाने की तैयारी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंट्री में मिलेंगे आपको। और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।